हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन एंड आज का जो टॉपिक है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। बिकॉज अभी कुछ दिन से आप भी देख पा रहे होंगे वहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं वीडियोस पे कि मैम हमें स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हम अपसेट हो जाते हैं। और डिप्रेशन तो एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही कैजुअल हो गया है, जो आज से लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स बैक हम लोग इतना ईजिली नहीं सुनते थे कि डिप्रेशन हो गया है ना। तो वो एक मूड चेंज, वो अपसेट को डिप्रेशन का वर्ड दे दिया गया है। तो वो क्या है, कैसे इतना जल्दी हमारा ब्रेन ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती हैं, ब्रेन इतनी जल्दी कैसे हम अपसेट हो जाते हैं, क्या होता है ऐसा कि इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है छोटी सी प्रॉब्लम से, कि जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी आ जाए लाइफ में तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो उसके बारे में बात करते हैं। So the topic for today is all is in the mind. So be calm and stable in your tough times. तो वो कैसे होना है, कैसे काम और स्टेबल रहना है टफ टाइम्स में, उसकी बात करते हैं। देखिए, जब कोई बीमारी आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कोई और ब्लॉकेज है, या कोई ऐसी बीमारी है, कोई ट्यूमर है, तो जब डॉक्टर उसको रिमूव कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो चीज़ दोबारा होने के चांसेस रहते हैं, वो चीज़ दोबारा भी आ सकती है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम एक बार सॉल्व हो गई तो ये वापस से नहीं आएगी। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि एक बार किसी को कोविड हो गया तो दोबारा से नहीं हो सकता है, नहीं होता है ना। तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, डॉक्टर्स उसको सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, बट उससे कैसे, उस प्रॉब्लम से कैसे बचना है वो आपके माइंड में है, दैट यू कैन हैंडल। ब्रेन में है सब कुछ। अगर आप एक चीज़ को सोच रहे हैं कैसे वो काम करता है उसके बारे में तो आप सब जानते हैं, बिकॉज कैसे सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। और जो ऑलरेडी हीलर्स हैं, हीलिंग के बारे में बात करते हैं, दे नो सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे वर्क करता है, और कैसे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हील किया है जो लाइक हील नहीं हो सकती थी किसी भी चीज़ से, कोई मेडिसिन से नहीं। इट्स जस्ट विद द पावर ऑफ योर ब्रेन। ओके, बीमारी आएगी बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, आप इस लाइफ में हैं, लाइक आप इस जब धरती पर आए हैं तो सबको ही वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। जब भगवान भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह इस धरती पर आते थे तो उनको भी प्रॉब्लम्स आती थी, बट वो उसको कैसे हैंडल करते थे वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा लाइक बोलते जो दुनियादारी में है, अगर आप डे टू डे लाइफ में हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, यहाँ से भी आएंगी, सामने से भी आएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह से प्रॉब्लम है, बट उसको हैंडल कैसे करना है, उसको वापस से बैलेंस कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, दैट इज़ इन योर हैंड्स। ओके, तो कैसे अपने कर्मास को आप लिखेंगे, कैसे आप अपने कर्मास को हील करेंगे, बिकॉज पास्ट लाइफ कर्मास हैं सबके प्रॉब्लम्स। तो चाहे कितने भी अच्छे कर्मास हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप चाहे बेस्ट एंड परफेक्ट पर्सन हैं दूसरों के लिए, बट तब भी प्रॉब्लम तो आएगी। बट उसको हैंडल करना कैसे है उससे पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। ओके, तो अब माइंड की बात तो हो गई, अब हम ये बात करते हैं कि जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम कैसे हैंडल कर नहीं पाते हैं या कैसे हैंडल करना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप एक दिन में अपनी एनर्जी कितनी वेस्ट करते हैं, इसका सोचना है। और जो मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि एक जर्नल रखिए, एक डायरी रखिए, उसमें नोट कीजिए, कल का ही नोट कर लीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा दूर और पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ अगर आप कल का ही करेंगे तो भी आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। एक दिन पहले का ही नोट कर लीजिए कि कल क्या हुआ था और कब ऐसा हुआ कि आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हमें तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी बोलते हैं, बट वो वहीं बोलते हैं जहाँ हमें बोलना है।
क्या हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे जब हम रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारा गार्बेज है, बहुत सारे खड्डे हैं और बहुत ट्रैफिक है, और हम कुछ भी बोल रहे हैं उस पर्सन के लिए उसको, और हमारे कार के शीशे तो ऊपर हैं, वो उस पर्सन को तो सुनाई नहीं दे रहा है, एंड वी आर सेइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और दैट पर्टिकुलर पर्सन। और बहुत बार देखा गया है कि CM के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सबके लिए भी बोलते रहते ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, एंड यू स्टार्ट सेइंग आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट, बट वो पर्सन को वो बात नहीं जा रही है, उसको वो आपकी वो बात ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है? आर यू नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी? क्या आप उसको उस छोटी सी प्रॉब्लम को अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, बिकॉज जब हम एक चीज़ को बोल रहे हैं वो छोटी सी प्रॉब्लम आपको इतना अपसेट कर देती है कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाते, बिकॉज उतना लेवल आपने अपना मेंटेन कर लिया। किसी कोई आपकी गाड़ी के आगे आ गया और आपने उसको इतना कुछ बोल दिया जो उस पर्सन ने सुना ही नहीं, और आपने अपने मन में ही उसके बारे में इतना कुछ बोल दिया, तो स्ट्रेस लेवल कितना तक तो हर बार ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम हैंडल नहीं कर पाते, ओके? तो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहाँ कहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डेली उसी रोड से जा रहे हैं, डेली आपको वो गार्बेज, वो प्रॉब्लम, वो ट्रैफिक, वो खड्डे, वो सब डेली मिलेंगे। तो क्या डेली उसी बात पे, सेम बात पे, सेम टॉपिक पे, सेम टाइम पे डेली वो स्ट्रेस लेना इम्पॉर्टेंट है? एक एग्ज़ाम है ये, जिसका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आपको पता है, बट फिर भी आप उसमें बार बार फेल हो रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसके ऊपर सोचना है। जस्ट राइट डाउन योर डे बिफोर इंसिडेंट्स जब आपको स्ट्रेस हुआ छोटी सी बात का। जब आप वो किसी और को बताएंगे दिल से, ये कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, बट अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली हम इन चीज़ों से अपनी लाइफ में स्ट्रेस ले लेते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें, किसी ने ऐसा नहीं बोला, किसी ने हमें ये क्यों नहीं कहा, ये चीज़ों का किसी ने कहा वो तो एक स्ट्रेस लेने वाली बात है ही, उसको कैसे हैंडल करना है उसका एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जब आपको कोई कुछ बोलता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको अपने ऑरा में लेना है। बट अभी हम बात कर रहे हैं अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली, कि किसी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, फ़ोटो को लाइक नहीं किया, तो उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ओके, अब मैं भी नहीं करूँगी इसके लिए कल, बिकॉज़ मैं हमेशा से इसकी फ़ोटोग्राफ्स पे लाइक कर रही हूँ और ये नहीं कर रही हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस लेने का, एक एनर्जी वेस्ट करने का ज़रिया है। सो नेवर वेस्ट योर एनर्जी। तो जो सेम चीज़ें हो रही हैं डेली, उसके ऊपर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ओके? तो उसको हैंडल हम कैसे करेंगे? सिंपल, आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है, अपने ब्रेन को वो पावर देनी है कि छोटी छोटी सी चीज़ों से तो उसको डिसबैलेंस हो ही नहीं, ओके? जो हम बोलते हैं कि, और जिनको बहुत ज़्यादा सोचने की हैबिट होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ों पर ये सब बोल रहे हैं इतना कुछ, तो वो सोचते ज़्यादा हैं, ऑफकोर्स वो नहीं करना है, सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ब्रेन का काम है वो हमेशा किसी भी चीज़ को लेके सोचता है। बट अगर आप ऐसी किसी नेगेटिव चीज़ को लेके नेगेटिव सोचेंगे तो आप वही वाइब्रेशंस क्रिएट करने लग जाएंगे पूरा दिन के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं आज हम लेट हो गए, तो आप सच में लेट हो ही जाएंगे। तो वो धीरे धीरे ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है कि यस, ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लेट हो जाएं। तो आप डेली लेट होने लगेंगे, आपको डेली डांट पड़ेगी। तो ब्रेन को कंट्रोल करना आपके ही हाथ में है, वो रिमोट आपके ही हाथ में है, क्योंकि वो आपके पास है। तो आप उसको कैसे रखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, इट्स अप टू यू। तो आपको इस चीज़ से अवेयर होना है कि आप किस चीज़ से इरिटेट होते हैं और कितनी जल्दी इरिटेट होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी सी चीज़ पर जल्दी से इरिटेट नहीं होना है, उतना लेवल तक बढ़ा लो कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओ। जल्दी से इरिटेट होने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, गेट इरिटेटेड वेरी फास्ट छोटी छोटी प्रॉब्लम को। तो ब्रेन को इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है छोटी छोटी सी चीज़ों को से स्ट्रेस लेने की, तो वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। तो कैसे कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे माइंड में, तो हमारी आदत है, अब वो आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, तो कैसे हुई? जब आप पैदा हुए थे क्या तब से ये हैबिट थी?
या आपके आसपास जो एनवायरनमेंट रहा, जो सीन रहा, उसकी वजह से वो हैबिट हो गई। पर किसी ने तो नहीं बोला ना कि इसको रोज़ करना है, ऐसा ये रोज़ सुबह शाम रात आपको करना है। हैबिट अपने आप हुई जब हमने उसको बार बार रिपीट किया, बार बार बोला, तो हमारे ब्रेन को हैबिट हो जाती है। अब एक हैबिट से एक बात ले लेते हैं, जैसे कि इंडिया में हम कहीं भी गार्बेज फेंक देते हैं, कहीं पर भी कुछ पैकेट फेंक दिया तो कोई फ़ाइन नहीं है, या अभी है अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो कहीं पर कोई फ़ाइन नहीं रहता है, तो पीपल कीप ऑन थ्रोइंग, है ना, इधर कहीं भी। और जब यही जब आप बाहर जाते हैं, बाहर की किसी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप पैकेट फेंकते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर फ़ाइन लगेगा, एंड यू डोंट थ्रो दैट गार्बेज देयर, है ना, आप फेंकते ही नहीं हैं। और अगर हम क्वेश्चन पूछे कि क्यों नहीं फेंकते हैं, तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर रूल है, इट दिस इज़ नॉट अलाउड हेयर, तो अलाउड नहीं है, तो आपने नहीं फेंका। तो अब हैबिट कहाँ गई? अभी तो हैबिट थी फेंकने की, तो अभी हैबिट चेंज कैसे हो गई? मे बी एक वो डर कि फ़ाइन लगेगा, या फिर यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आपको ब्रेन को यही यही चीज़ सिखानी है, क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है आपकी लाइफ में। सो आपको उनको ये ब्रेन को यही कमांड देनी है दैट दिस इज़ नॉट अलाउड, कि कोई छोटी सी चीज़ मेरे को परेशान कर जाए या कोई एक पर्सन आके मुझे परेशान कर जाए। सो वॉट इज़ अलाउड इन योर लाइफ एंड वॉट इज़ नॉट अलाउड इन योर लाइफ, ये आप ही डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ओके तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए नहीं सोचना है कि वो क्या कह रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे होगा, उसने ऐसा क्यों किया। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज आपकी पावर है ब्रेन की, आपको कंट्रोल करना है और आपको ही कमांड देनी है। कोई और अगर आपके ब्रेन को कमांड देता है, दैट मीन्स वो पर्सन आपके ब्रेन को बांध रहा है या आपके ब्रेन को चला रहा है, कमांड कर रहा है कि आपको अच्छा लगेगा कि जो कोई बोले वही आप करें, या आप ये चाहेंगे कि जो आप करना चाहें आप वो करें। सो यू नीड टू डिवाइड किस चीज़ से आपको परेशानी है, किस चीज़ से नहीं है, क्या चीज़ आपकी लाइफ में अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। ओके तो दैट इज़ इन योर हैंड्स। सो वील टॉक अबाउट दिस टॉपिक अहेड ऑल्सो। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आप मुझे मैसेजेस कीजिए, जैसे मुझे मैसेजेस और मेल्स आते ही हैं, तो आप बताइए कि क्या चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी से परेशान करती है, और उसको नोट करना शुरू कर दीजिए और नेक्स्ट डे उसको देखिए। उस वक्त जब आप परेशान हैं तो आप किसी भी चीज़ को देखेंगे वही प्रॉब्लम आपको बड़ी लगती है। नेक्स्ट डे उसको पढ़िए, उस चीज़ को देखिए और देखिए कि क्या ये कल जो ये सब हुआ, क्या ये इम्पॉर्टेंट था, क्या ये बहुत बड़ी चीज़ थी जिसकी वजह से आपका ब्रेन इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पे, लाइक 100% पे वो चला गया। तो उसको देखिए एंड चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लेवल, कि आप किस चीज़ से कितना लेवल पे आप हैंडल कर सकते हो और कितना लेवल पे आप हैप्पी या इरिटेट हो सकते हो। सो डू मैसेज मी, विल टॉक मोर अबाउट इट, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 5 मिनट 10 मिनट की बात नहीं है। यू नीड टू आस्क मी, और जो आप पूछना चाहेंगे उसका आंसर में मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी।